तो हेलो एवरीवन क्या हाल चाल है आप सबका होप करते हैं बहुत ही अच्छा होगा और इस वीडियो में हम लोग क्लास इलेवंथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में करेंगे सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इन द वीडियो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फोटो ऑफ वाटर से है फोटो ऑफ वाटर एक अच्छा ही टॉपिक माना जाता है और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसका वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप जाकर के वहाँ से डिटेल में उससे वाच कर सकते हैं सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसे जूम कर लेते हैं देन स्टार्ट uh, करते हैं आगे क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ़ द हैव रोल इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर देखिए बहुत सारा दिया हुआ है ऑप्शन जो कि वन ए बी सी एंड डी करके दिया हुआ है इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है और जो कि फोटो ऑफ वाटर में इन्वॉलमेंट शो करता है उसका कुछ रोल होता है नंबर वन ऑप्शन जो है आपका एम एन और बी है आपका पी एस टू और सी है क्लोराइड और डी है ऑल ऑफ दिस सो so, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ दिस आप अगर फोटो रिशिस ऑफ वाटर पढ़ेंगे तो उसमें आपका इसका ऑप्शन ए का और ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इन तीनों का क्या होता है रोल होता है फोटो रिशिस ऑफ वाटर में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन कह क्या है लोकेशन ऑफ लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन फोटो इज जो ऑक्सीजन uh, का प्रोडक्शन होता है उसका आपको क्या बताना है लोकेशन बताना है सो so, अगर आप फोटोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ेंगे ना उसमें डिटेल में इसको भी एनालिसिस किया गया है और इसको अच्छा से समझाया गया ठीक है ऑप्शन ए कह रहा है लुमिन ऑफ स्ट्रोमल थैलोकॉइड एंड बी ऑप्शन इज स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड ऑप्शन सी इज लूमिन ऑफ ग्रेनल थैलोकाइड एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दिस सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज लुमिन ऑफ ग्रेनल थैलोकॉइड जो ग्रेनल थैलोकाइड का जो लूमिन होता है उसमें क्या होता है ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है वही क्या होता है इसका लोकेशन होता है ऑक्सीजन का प्रोडक्शन का फोटोसिंथेसिस में राइट right?

uh photon molecules required to produce one oxygen molecule, right? question number, four move question number four. Is on the screen. So, read with me. Question ara, gradient of photon in cycle ATP, that is adenosine adenosine triphosphate as phosphate synthesis in chloroplast developed due to option A movement of proto, sorry proton from lumen of thylakoid to stroma of chloroplast, and option B is photolysis of water, and option C is ETC electron transport chain involved in the cyclic flow of electron. और ऑप्शन डी इज़ नॉन ऑफ़ दिस. सो द करेक्ट आंसर ऑफ़ दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर सी. ईटीसी यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन. ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन इन्वॉल्विंग द साइकिक फ्लो ऑफ़. एक मिनट एक मिनट. हम्म सॉरी सॉरी. क्वेश्चन नंबर फोर था. ऑप्शन नंबर क्य विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ शुगर इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है जो कि शुगर नहीं है आर यू बी पी पी जी एल डी आई एच पी एंड पी जी ए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर डी दैट इज पी जी ए पी जी ए जो है वो क्या है शुगर नहीं है आपका आर यू बी पी भी शुगर है पागल भी शुगर है और डी आई एच ए पी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है रुबिसको क्वेश्चन क्या है विच इज़ इनकॉरेक्ट अबाउट के अकॉर्डिंग कौन सा इनकॉरेक्ट है नंबर वन इज मोर इन एफिनिटी फॉर सी ओ टू एंड ओ टू कैन act as a carbo uh, carboxylase and oxygenase both and option C is present in thylakoid lumen and option D is one of the substrate is 5c sugar so the correct answer of this question is option number C that is present in the thylakoid lumen R rubisco -K according to question number 7 question number 7 hai, which is present in the c4 and c3 plant both accept this uh, rubisco peptase and uh, pepase ntp reductase and uh, फाइव फाइवीन सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी दट इजेज ठीक है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर चलिए एट इज ऑन स्क्रीन मिजोफिल सेल ऑफ सी थ्री सॉरी सी फोर प्लाट सोज ऑल एक्सेप्ट जो मिजोफिल होता है सी फोर प्लान का वो मतलब इन, ये, all except. एक को छोड़ करके कौन सा ऑप्शन शो तो करते हैं डीपी सिंथिस यानी डी पी एसथिस पागल ऑक्सीजन इवोल्यूशन तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पागल जो पा, पी जी ए एल होता है उसे क्या करता है आ, ए

क्वेश्चन नंबर टेन कह रहा है विच इज करेक्ट इज और करेक्ट अबाउट बंडल सीथ सेल ऑफ सीट फॉर प्लांट ऑप्शन ए सुगर फॉर्मेशन ऑप्शन डी रिडक्शन ऑफ पी टू फ्रॉम सुगर एंड ऑप्शन सी इज ऑक्सीजन इवोल्यूशन एंड ऑप्शन डी इज साइक्लिक एटीपी सिंथेसिस सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन रिवोल्यूशन बंडल सीथ सेल इन अबाउट इन पूछा है सही है क्वेश्चन नंबर इलेवन विच इज इन अबाउट बंडल सीथ सेल बंडल सीथ सेल इन पूछा है सेम क्वेश्चन है Uh, more number of chloroplast than mesophyll cell, and option B is impervious wall and impervious wall, and C is present close to the vascular bundle, and option D is have granulothyroid. So, the correct answer of this question is option number D, that is have a thylakoid. And uh, question number 12, question number 12, can have first stable product of C2 cycle is phosphoglycolate and PGA, OOA, oxalic acetic acid, and PGA. -L. So, the correct answer of this question is option number A, that is. फोस्फोग्लाइकोलेट ठीक है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है क्या चीज का सीटू साइकिल का एंड क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड इसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में उसका लिंक और आई बटन पे या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहाँ से जाकर के बात करिए या फिर जो भी वीडियो न्यू वीडियो होगा इसके आगे का और इस टॉपिक का इस चैप्टर का उसका मैं लिंक इन स्क्रीन पे दे दूंगा आप वहाँ से भी जाकर के उसे बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन कह रहा है फोटो फोस्पोराइजेशन इज प्रोसेस विच फोटो फोस्पोराइजेशन होता है फोटो रिस्पाइरेसन is a process which prevent sorry prevent plant from sugar formation b it is responsible for formation of first molecule of phosphoglycol and option c is get completed into three organelles and option d is all of the above so the correct answer of this question is all of the above photorespiration is the process which in which involved with nasara process involved with that. The case, so करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा ये सभी क्वेश्चंस आपके पी डब्ल्यू के और डी पी पी के क्वेश्चन हैं और ये पूरी तरह से क्रेडिट उनकी को जाता है ठीक है और ये मेरा ऑन क्वेश्चन नहीं है कि मैं कहीं से कलेक्ट करके लाया हूँ आप देख सकते हैं कि उनका लोगो लगा हुआ है ठीक है पी डब्ल्यू और ये बहुत ही अच्छा और मैं क्या ही बोलूँ मैं फैन हूँ पी डब्लू का ठीक है जिस तरह से इनका पढ़ाने का स्टाइल है और खास करके अलग सर का ठीक है फिर मिलते हैं और भी अगले वीडियो में और उनका एक फेमस डायलॉग है हेलो बच्चों ठीक है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है और जो कि मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो के अंत में कि अपनों के साथ से और अपने माँ बाप के आशीर्वाद से कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन कुछ बड़ा होगा आप बने हैं कुछ बड़ा करने के लिए कभी निराश नहीं होना है हताश नहीं होना है कि हमें अपनी ज़िंदगी में समय से पहले ये चीज़ नहीं मिला आपको समय से पहले कुछ नहीं मिलने वाला जब आप सच्चे भाव से मेहनत करते रहिए कुछ ना कुछ तो आपके लाइफ में ज़रूरी हो जाएगा और जहाँ से आप खुश रह सकते हैं और सबसे बड़ी बात है जीवन में खुश रहना अगर आप खुश हैं तो फिर यार दुनिया का बहुत ही खुशनसीब और बहुत ही भाग्यशाली इंसान है ठीक है सो so, कभी भी निराश मत होइए मत होइए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए और इसी तरह का मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप फीचर किया हुआ है चैनल अफेक्टिव मोटिवेशन जो कि जिसपे मैं हमेशा वीडियोस देते रहता हूँ आप वहाँ से जाकर के उसे डेली बेसिस पे वॉच कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बब बाय है गुड डे और पढ़ाई करिए ठीक है बाय